रही हैं कि पूरे देश में करोड़ों युवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, साल भर की रेलवे की वैकेंसी आएगी, बहुत मुश्किल से आती है। आपको याद होगा कि हमने कई महीनों तक रेलवे सीरीज चलाई थी, तब जाकर 2019 में वैकेंसी आई 1,46,000 नौकरियों की। आपको बताते हुए ये हर्ष का हश्र हो रहा है, हिंदी में समझिए कि परीक्षा के भी एक साल से ज़्यादा समय हो गए हैं, वैकेंसी आए हुए 2.5 साल हो गए हैं, मगर लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की बहाली, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। रेलवे के लोग कहते हैं कि कोरोना के कारण नहीं देरी हो रही है। कोरोना तो मार्च से शुरू हुआ है भारत में, आधिकारिक रूप से 24 मार्च से। तो नौजवान परेशान हैं। एनटीपीसी एक होता है रेलवे में नॉन टेक्निकल परीक्षा, उसके भी फॉर्म भरे, परीक्षा गायब हो गई। अब जब उन नौजवानों को ये बताया जा रहा है, और पहली बार ये बहुत अच्छी बात है रेलवे की तरफ से कि पहली बार रेलवे ने पारदर्शिता दिखाई है और नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इस साल इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज में कोई भर्ती नहीं होगी। ये जरूर कहा गया है कि जो पहले भर्तियां निकली हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी वैकेंसी ही पूरी नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है। आप रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पर जाके देखिए तो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, ये जोन, भोपाल जोन, गोरखपुर जोन, मुंबई जोन, मार लड़के तमाम उस पर शिकायतें कर रहे हैं, पर कोई सुनने वाला है नहीं। उनकी अब लगता है भी नहीं है कि रेलवे की कोई अब सुनेगा। कारण यह है कि रेलवे की कमाई खराब हो गई है, कम हो गई है, हालत खस्ता हो गई है, वैसी नहीं है जैसे पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर रेलवे दिखती है चमकती हुई। वैसी ब्रांडिंग काश रेलवे भीतर से भी होती तो कल्याण हो जाता रेलवे का। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि रेलवे सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरी देने वाली संस्था है। अब अगर ये संस्था नौकरियां देने के अवसरों को संकुचित करने लगे तो सोचिए कि इस देश के युवाओं का भविष्य एक ही चीज बचा सकता है, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सप्लाई किया जाने वाला मीम और वीडियो। इसकी पूर्ति अगर बढ़ा दी जाए, प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया के जरिए बढ़ा दिया जाए, प्रोपेगेंडा की बड़ा ही हम विश्व गुरु टाइप बन रहे हैं, रोजगार की चिंता मत करो, तो भारत के रोजगार बेरोजगारों को सुकून मिलता है। उन्हीं के लिए आगे की यह सूचना बता रहा हूं कि 68,000 जो रेलवे ने बताया है कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी में भर्ती बची हुई है, इसकी समीक्षा की जा रही है। बताइए अगर ये पोस्ट खत्म कर दिए गए तो इतनी संभावनाएं भारत के नौजवानों की बंद हो जाएंगी, वो ज्यादा समय लगता है व्हाट्सएप मीम में बिताने वाले हैं, 67,000। फिर 2 साल में जितने भी पदों का सृजन किया गया है उनकी समीक्षा हो, ये नए आदेश दिए गए हैं, उन पर नई भर्तियां अगर नहीं हुई हैं, अगर 2 साल में पोस्ट क्रिएट हुआ है, बहुत लंबा समय लगता है पोस्ट क्रिएट करने में, अगर भर्ती नहीं हुई है तो उन पोस्ट को अब खत्म कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। कर्मचारियों के यात्रा भत्ते और दूसरे भत्ते में 50% तक कटौती होगी। अब इसको लेके मुझी को मेल लिखेंगे जिनमें से ज्यादातर लोग मुझे गाली देते रहते हैं, तो इन सारे लोगों को इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा मीम की सप्लाई किए जाने की, व्हाट्सएप मीम की। 50% तक कटौती होगी, यानी रेलवे के कर्मचारियों का भीतर से हाल बुरा है। आउटसोर्सिंग स्टाफ में कटौती की जाएगी। अब देखिए ज्यादातर अब नौकरियां रेलवे में जो हैं वो आउटसोर्सिंग के जरिए हैं, अगर इनकी कटौती की जाने लगी तो किस मात्रा में रेलवे बेरोजगार पैदा करेगी ये हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारे यहां कितने बेरोजगार हुए ये बताने की आधिकारिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें भारत में पॉजिटिव हैं, वो जानकर खुश रहने की जरूरत है। ये भी कहा गया है कि किसी फाइल को भेजने के लिए स्टाफ के साथ मत भेजिए, ऑनलाइन भेजिए ताकि वो भी खर्चा बच जाए, और यानी स्टाफ बच जाए, स्टाफ की जरूरत ना हो, उसे चलता किया जा सके। और फर्नीचर, अतिरिक्त गाड़ियां, कंप्यूटर, प्रिंटर की खरीद ना हो, उद्घाटन कार्यक्रम ऑनलाइन करें ताकि खर्चा बचे, मनोरंजन, प्रचार, यात्रा, बैंकों को यात्रा जो है वो सब कम किया जाए, यानी प्रचार वगैरह पर विज्ञापन कम दिया जाए। इसका थोड़ा बुरा असर अखबारों पर ही पड़ जाता है, मीडिया का, टीवी में तो रेलवे का विज्ञापन कम ही आता है, तो अखबार वाले वैसे ही उनकी नौकरियां जा रही हैं पत्रकारों की, तो बहुत बुरा है। लेकिन प्रोपेगेंडा के कई तरह के तस्वीरें रोजाना लॉन्च हो रही हैं, तो आप मानसिक रूप से आप कभी खाली नहीं रहेंगे, आपको एकदम पौष्टिक ऊर्जा दी जाती रहेगी। और ये सुनिए रेलवे ने क्यों और क्या कहा इन कारणों के पीछे। हमारे पास जो वैकेंसी जो है अभी सेफ्टी कैटेगरी में है वो 1,53,000,
और जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी में है वो 1,37,000, तो रफली अराउंड 2.9 लाख 90 लाख जो है वैकेंसीज हमारे पास हैं, जिसमें से हमने सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी जो नोटिफाई की हुई है अभी वो 72,274 ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉन सेफ्टी कैटेगरी की हमने की है 68,366, सो द टोटल नोटिफाइड वैकेंसीज आर 1,40,640। तो इसमें से जो अब आप जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी वैकेंसीज बची वो उनमें से 68,000 एक रफली 68,000 जो है वैकेंसीज नॉन सेफ्टी कैटेगरी में बनती हैं। उनमें से जो आप लोगों के संज्ञान में कहा है कि हम लोगों ने अभी कहा है कि रेलवेज को कि आप अपनी सेफ्टी कैटेगरीज की वैकेंसीज एज इट इज आप भरिए, जो नॉन सेफ्टी कैटेगरीज की वैकेंसी है उनको आप रिव्यू करिए। पूछेंगे कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष